हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपना उसका एक सेकंड पार्ट हमारा रह गया विच इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ डेट मार्केट ठीक है तो अपन ये स्टार्ट करें यार इसके पहले आप एक चीज समझना डाउट्स आपके आ रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ ठीक है मेरी गलती हो गई कि मैंने पहले कभी क्लियर नहीं करा एनआईएसएम एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है ना ठीक है दैट इज आपको ट्वेल्थ क्लियर होना चाहिए आपका एच क्लियर होना चाहिए इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है एंड यू कैन स्केड्यूल्ड एग्जाम वेन ए व यू वॉन्ट ठीक है मतलब इत थ्री सिक्सटी फाइव डेज स्केडूलिंग होती है आप कभी भी जाके कभी भी एग्जाम्स अपने देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग हैं जिनको ये डाउट आ रहा है कि आपका जो एन आई एस एम वाला एक कोर्स है इसमें वर्सेज जो हमारा इक्विटी रिसर्च कोहट है इसके अंदर क्या डिफरेंस है तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है ठीक है ये जो है दिस इज़ अ रेगुलेटरी एग्जाम वेरी बेसिक एंड इट विल स्टिक टू करिकुलम जो भी करिकुलम सेबी ने दिया है हम उसी पे स्टिक हैं इसके अंदर मैं चाहते हुए भी करिकुलम के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करना है तो जितना करिकुलम में मैं कोशिश करता हूँ कि उतना मैं प्रैक्टिकली और इजीली आपको समझा पाऊँ उसके अगेंस्ट में अगर आप अपना कोहर्ट देखोगे इट इज हंड्रेड प्रैक्टिकल ठीक है यू विल लर्न यू विल लर्न अ स्ट्रक्चर टू परफॉर्म रिसर्च ठीक है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हंड्रेड परसेंट इंडिपेंडेंटली किसी भी कंपनी की रिसर्च खुद से कर सकते हो ठीक है इंडिपेंडेंट रिसर्च आप खुद से कर सकते हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्विटी रिसर्च इज समथिंग जिसमें आपको अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है एंड यू वॉन्ट टू ट्रेन योर सेल्फ यू वॉन्ट टू अपस् स्किल योर सेल्फ इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्रोबाबिलिटी कि आपको एक अच्छा जॉब मिले इक्विटी रिसर्च में आपको समझना है इक्विटी रिसर्च के कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है ठीक है तो आप डेफिनेटली हमारा अपकमिंग इक्विटी रिसर्च कोहट कंसिडर कर सकते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपन आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट फड़। चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट नंबर बी मैकेनिक्स ऑफ डेट समझना है यार सबसे पहले कि डेट होता क्या है ठीक है तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल और प्लेन भाषा में समझाऊं बिल्कुल प्लेन भाषा में अगर आपको समझाऊं कि डेट क्या है यह है कि वॉन्ट ये आप लोग लिखते जाओ वॉन्ट टू रेज फंड्स बट नो डाइल्यूशन इन इक्विटी इक्विटी में मेरे को कोई डाइल्यूशन नहीं चाहिए ठीक है इसका मतलब क्या है मुझे कंपनी है मान लो एक कंपनी है टाटा मोटर्स दे वॉन्ट टू रेज फाइव करोड़ रुपीज फ्रॉम द मार्केट बट उनको इक्विटी शेयर नहीं देना अपना मालिकाना हक नहीं बेचना है दे व डोंट वॉन्ट टू गिव एक्विटी शेयर तो वो क्या करेंगे दे विल इशू डिबेंचर्स दे विल इशू बॉन्ड्स आप इसको साइमल्टेनियसली रिपीट कर सकते हो डिचर्स और बॉन्ड को दैट इज एब्सोल्यूटली फाइन ठीक है मैकेनिक्स ऑफ बॉन्ड्स के अंदर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरा जो डेट होता है डेट बॉन्ड डिवेंचर वन इन द सेम थिंग मेरा जो डेट होता है ना वो होता है फॉर अ स्पेसीफाइड टाइम और उसके ऊपर लगता है कि स्पेसिफाइड इंटरेस्ट आप ये देखो कि ये जो डेट है कोई भी डेट अगर है तो वो भी क्या ट्रेडेबल हो जाता है क्या क्या वो भी मार्केट में ट्रेडेबल होगा क्या बिल्कुल मार्केट में ट्रेडेबल होगा या तो मार्केट में ट्रेडेबल होगा मार्केट मतलब मार्केट इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज रादर देन इट इज ट्रेडेबल इन एक्सचेंज इधर इट इज ट्रेडेबल इन एक्सचेंज और इट इज़ ट्रेडेबल इन ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर मार्केट ओवर द काउंटर मतलब आपस में एक दूसरे से के साथ खरीद लिया ठीक है नाउ मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ एंड वील सी कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं मैं विंट वेल्थ पे जाता हूँ अगेन सा वेबसाइट ऐसा नहीं है कि अकेला एक सिर्फ विंट वेल्थ ही है और भी दूसरी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जैसे देर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज गोल्डन पाए ठीक है ये भी डेट आपको प्रोवाइड करती है अगर आपको कोई भी डेट खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो ऐसे आप देखोगे कि ये दो तरह की वेबसाइट्स हैं एंड यहाँ पर ये लिस्टेड कारपोरेट बॉन्ड्स हैं ओके तो आप यहाँ पर देखो तो ये कोई कंपनी है जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है इसने अपना बॉन्ड इशू करा हुआ है सिमिलरली विंट वेल्थ में जाएंगे अपन बॉन्ड्स में अगर जाते हैं ठीक है ना अपन नीचे आते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और इनक्रेडिट करके ये बॉन्ड है मैं इसकी डिटेल्स ओपन करता हूँ आपके लिए थोड़ा और नीचे आता हूँ मैं यहाँ पर मुझे बॉन्ड डिटेल्स मिलेंगी ये वाला बॉन्ड डिटेल है मैं ये बॉन्ड डिटेल ओपन करता हूँ जब मैं बॉन्ड डिटेल ओपन करूंगा ना तो मुझे सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पर आप देखो जैसे सेकेंड फेबररी 2023 ट्वेंटी थ्री इज द अलॉटमेंट डेट इस दिन ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ उन लोगों को जिन्होंने पैसा लगाया था फरवरी दो में ये चीज़ हो चुकी है ये बॉन्ड मेच्योर कब होगा ये दो में मेच्योर होगा अपन सब समझेंगे ये एक एक चीज ठीक है तो इसका मतलब यह है कि सत्ताईस महीने बाद इनक्रेड कंपनी जो है वो आपका पैसा लौटा देगी ठीक है ओरिजिनल बॉन्ड मेच्योरिटी ट्वेंटी सेवन है जो इशू साइज है मतलब इनको कितना पैसा इकट्ठा करना है तो इनको चालीस करोड़ रुपए इकट्ठा करना था कर चुके हैं ये इकट्ठा ऑलरेडी ठीक है ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है मतलब कल को अगर कंपनी डूब गई कल को अगर कंपनी बैंक्रप्ट हो गई तो कंपनी ने आपके बॉन्ड के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गिरवी रखा है ठीक है जैसे बिल्डिंग हो सकती है कंपनी में उसको लैंड है तो वो लैंड तब तक नहीं बिकेगा जब तक वो आपको अपना पूरा पैसा नहीं दे देती ये पब्लिक इशू था बी और एन पे ये बॉन्ड लिस्टेड है तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड है और इसकी रेटिंग जो है वो केयर ने करी है अपन देख लेते हैं अभी केयर ने और कोलेटरल साइज जो है वन पॉइंट जीरो फाइव एक्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इसका मतलब यह है कि अगर मैंने चालीस करोड़ रुपए का बॉन्ड उठाया है मार्केट से पैसा उठाया है तो चालीस करोड़ का मेरे पास चालीस करोड़ और यू नो एक्स्ट्रा टू लाख और ट्वेंटी लाख रुपीज मेरे पास और एडिशनल है इन ऑर्डर टू गिव द यू नो अ क्वेश्चन ठीक है कि कल को अगर मैं कुछ गड़बड़ कर देता हूं तो मेरे पास एक कोलेट्रल है इसलिए वो सिक्योर्ड बॉन्ड है ठीक है हम थोड़ा ये समझते हैं कि बॉन्ड का मैकेनिक्स क्या होता है और आपको इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली बॉन्ड को समझने में ठीक है आप सबसे पहले बिल्कुल हंड्रेड परसेंट अटेंशन और फोकस के साथ यहां समझने की कोशिश करना ये ईयर ज़ीरो है ईयर ज़ीरो का मतलब क्या होता है आज का दिन मान लो आज कंपनी ने हजार करोड़ रुपए रेस करे ठीक है अब कंपनी क्या करेगी ईयर वन है ये ईयर टू है और ये ईयर थ्री है मान लो ये तीन साल का बॉन्ड है ठीक है और इस बॉन्ड पे कंपनी को दस परसेंट का इंटरेस्ट देना है ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पेबल ऐसा मान लो कि इंटरेस्ट भी साल में एक बार ही मिलेगा और दस परसेंट मिलेगा तो कंपनी का इस जगह पर आउटफ्लो कितना हुआ देखो इनफ्लो हुआ मतलब कंपनी के पास हजार करोड़ रुपए आया तो मैंने उसको प्लस में लिखा है क्या ये हजार करोड़ रुपए कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा क्या बिल्कुल देना पड़ेगा समझना तो जब ब्याज देगी कंपनी तो नेगेटिव में हो जाएगा सौ करोड़ का ब्याज ईयर वन के एंड पे देना पड़ेगा कंपनी को फिर सौ करोड़ का ब्याज ईयर टू के एंड पे देना पड़ेगा जो दूसरे साल का ब्याज है और थर्ड ईयर का ब्याज कंपनी को थर्ड ईयर के एंड पे देना पड़ेगा लेकिन थर्ड ईयर के एंड पे ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा जब यह बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा तो कंपनी को ये जो हजार करोड़ रुपए ना ये भी वापस करना पड़ेगा तो यहां पर कंपनी को ग्यारह करोड़ रुपए वापस करना है आपको ठीक है इलेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज कंपनी को आपको वापस करना है ऑन द ईयर थ्री अब समझना आप कि इसके अंदर फंडा क्या होगा सबसे पहले तो अपन बेसिक्स समझते हैं ठीक है ये जो है दिस इज माई प्रिंसिपल ठीक है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है डन ये जो है दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये जो है दिस इज माई रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो पैसा मैंने वापस करा ये उसका रीपेमेंट है और ये जो टेन परसेंट है ना इसको बोला जाता है कूपन रेट अब आप समझिए आपको ये बॉन्ड खरीदना है अब देखना आपने क्या करा आपने इस बॉन्ड में हजार रुपए इन्वेस्ट करे समझिए मेरी बात ध्यान से समझिए आपने हजार रुपए इन्वेस्ट करे फेबर 2023 में जब ये बॉन्ड एक्चुअल में इशू हुआ कंपनी की तरफ से तो कंपनी आपको क्या देगी पता है कंपनी आपको एक कागज का टुकड़ा देगी अब तो सब डी मैट में होता है कागज का टुकड़ा देगी इसके अंदर कंपनी लिखेगी इस बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो हजार रुपए ठीक है और जो कूपन रेट है बॉन्ड का वो टेन परसेंट है कि आज हम इस बॉन्ड पे दस परसेंट का ब्याज देंगे अब समझना क्या हुआ ठीक है आपने तो इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड को और जो बॉन्ड का टेनऑर है वो थ्री इयर्स है ये तीन चीजें आपने को कंपनी ने दे दी ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये वाला इसको बोला जाता है बॉन्ड इंडेंचर बॉन्ड इंडेंचर बोल दो या बॉन्ड का प्रोस्पेक्ट बोल दो एक ही बात है और ये पूरा का पूरा रेगुलेशन भी से भी करेगा जहां भी एक्सचेंज पे कुछ हो गया ना एन ए एस पे कुछ भी चीज हो गई तो वो पूरा का पूरा रेगुलेशन उसका से भी हैंडल करता है ठीक है अब देखना क्या हुआ अब ये जो टेन परसेंट था लॉजिकली सोचना केस नंबर वन ये जो टेन परसेंट था ये बॉन्ड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में देखना जब फरवरी दो में ये कंपनी इनक्रेड करके जो कंपनी है अपनी ये इनक्रेड करके कंपनी मार्केट में गई चालीस करोड़ रुपये उठाने के लिए उस समय मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वो दस परसेंट चल रहा था अब क्या हुआ मान लो ऐसा कि एक साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर केस नंबर वन में बात कर रहा हूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर से फॉर एग्जाम्पल आठ परसेंट पे आ गया अब देखना मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए एक साल पहले अगर आप दस हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे किसी बॉन्ड में किसी भी कंपनी के बॉन्ड में तो ऑन एन एवरेज आपको दस परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा था अब बॉन्ड के रेट गिर के आठ परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है समझना मेरी बात मार्केट में अगर आज नया बॉन्ड लेते हो तो, तो क्या इस समय ये जो कागज है आपके पास क्या ये खजाना है क्या कागज आपके लिए कारण क्या है मार्केट में कितना भी रेट गिर जाए कितना भी रेट बढ़ जाए समझिए मेरी बात आपको क्या आज जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आठ परसेंट पे मिलेगा नहीं आपको दस परसेंट पे मिलेगा क्योंकि ये बॉन्ड इनडेंचर में लिखा हुआ है अब समझना इधर मेरी बात आज मार्केट में आठ परसेंट का भाव चल रहा है और आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा है एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो आपको दस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आप समझ रहे हो मेरी बात तो क्या आपके पास एक कीमती चीज है क्या? सोच के तो अगर ये कीमती आज मार्केट में बिकने जाएगी अगर ये बॉन्ड आज मार्केट में बिकेगा तो ये बॉन्ड मोर देन वन थाउजेंड रुपीज में बिकेगा ना आप समझ रहे हो ये बॉन्ड पता है कितने रुपए में बिकना चाहिए आइडली आइडली कितने रुपए में बिकना चाहिए जैसे समझ लो मान लो मेरी बात कि आपने क्या करा आपने ये वाला बॉन्ड आज जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड का वो होगा मोर देन वन थाउजेंड रुपीज ये बात तो समझ में आ गई क्यों होगा मोर देन वन थाउजेंड रुपीज समझना कारण है वन थाउजेंड से ज्यादा होने का कि आज मार्केट में आठ परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जबकि मेरे पास जो बॉन्ड है ना उस मेरे पास वाले बॉन्ड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट समझ रहे हो आप तो आज ये हजार से ज्यादा होगा अब ये कितना ज्यादा हो सकता है इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा गिर जाएगा तो मेरा बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस है ना मेरा बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा बॉन्ड प्रीमियम है मेरे पास ऐसा बॉन्ड है जो दस परसेंट ब्याज दे रहा है आपके पास आज मार्केट में नया बॉन्ड खरीद लेने जाते हो तो सिर्फ आठ परसेंट का ब्याज दे रहा है तो मेरे बॉन्ड की कीमत ज्यादा 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 है 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 कितनी कितनी वो समझना समझना आप इधर ध्यान से पता है आपको कितनी है? इस पे आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा पता है देखना इसमें आपको जो इंटरेस्ट इनकम होगी मान लो अगर आज आप बॉन्ड खरीदने जाते हो तो इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी आपकी हजार रुपए इंटू टेन परसेंट सौ रुपए अगर आज आप बॉन्ड खरीदते और प्लीज इसको ध्यान से समझना रिक्वायर पड़े तो पूरा मतलब इसको प्लेबैक करके देख लेना अगर आज आप आठ परसेंट का बॉन्ड खरीदते तो वो बॉन्ड कितने का होता कि उस बॉन्ड का आठ परसेंट सौ रुपए के बराबर हो जाता समझिए आज मार्केट में एट परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आठ परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं ऐसे देखूं तो मान लो आज जो बॉन्ड का मार्केट प्राइस है वो एक्स है ठीक है आज मार्केट प्राइस एक्स है एक्स इंटू एट परसेंट इज इक्वल्स टू हंड्रेड रुपीज तो एक्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट परसेंट यस और नो अरे हंड्रेड डिवाइड बाई एट परसेंट तो कितना हो गया बारह सो पचास क्या बारह सो पचास हो गया सोच के देखिए राइट आई यू गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ रही है पूरी चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो 1250 को आप आठ टाइम अगर ये करते हो तो आज का जो मार्केट प्राइस है वो बारह रुपए होना चाहिए कंपनी का अपन उल्टा करके देखते हैं मान लो इस केस के अंदर क्या हुआ आपने 10% से 8% ठीक है अब क्या हुआ इस केस के अंदर ये देखना अब उल्टा हो गया गेम अब ये केस नंबर टू है मेरा इधर देखिए अब क्या हुआ पता है अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट से बढ़ के बारह परसेंट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी मार्केट में बढ़ जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ठीक है तो मार्केट प्राइस जो होगा वो हजार से कम ट्रेड करेगा कारण क्या आपके पास एक ऐसा कागज है जो आपको दस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है दस के रेट से आपको ब्याज दे रहा है लेकिन मार्केट में आज जो रेट चल रहा है ना बारह परसेंट चल रहा है तो मैं आपसे कागज क्यों खरीदू मैं मार्केट में जाके डायरेक्टली बारह परसेंट वाला कागज ले लूंगा ना मैं आपसे कागज सिर्फ तभी खरीदूंगा जब आप मेरे को ये कागज हजार रुपए से थोड़ा कम में दे दोगे तो हजार रुपए से कितने कम में मिलेगा कागज पता है हजार रुपए से कितने कम में मिलेगा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बिल्कुल सेम वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा हजार रुपए का दस परसेंट इक्वल टू सौ रुपया तो ये कागज ये जो बॉन्ड का टुकड़ा है यह मार्केट में उतने रुपए में ही ट्रेड करेगा जिसका 10 12 परसेंट वुड बी इक्वल टू हंड्रेड रुपीज मतलब से फॉर एग्जांपल बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस x है करंट मार्केट प्राइस x है से फॉर एग्जांपल तो उसका 12 परसेंट शुड बी इक्वल टू हंड्रेड आई यू गेटिंग माई पॉइंट तो इसको अगर मैं रिजोल्व करता हूं तो ये मेरा आता है हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो ये बॉन्ड की कीमत मेरी आ गई एट थर्टी थ्री रुपीस ये आपको समझ में आया क्या कि क्या चीज होती है बॉन्ड का बेसिक काम क्या होता है तो अगर अपन इसको यहां समराइज करें रिलेशनशिप वो वाली रिलेशनशिप नहीं रहे रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड प्राइस वर्सेस इंटरेस्ट रेट ठीक है अगर अगर इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप तो बॉन्ड प्राइस विल गो डाउन सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन तो बॉन्ड प्राइस विल गो अप देयर फोर इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है समझ में आ रहा है आपको बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आई यू गेटिंग माई पॉइंट क्या चीज समझ में आ रही है चलिए अपन है ना अब आगे बढ़ते हैं एंड वील अंडरस्टैंड चलिए अपन थोड़ा नोट्स पे चल के देखते हैं डायरेक्टली यहाँ से अपने को बहुत हेल्प मिलेगी आई होप यार आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर एक बार फीडबैक में बताना ठीक है हमारी टीम बहुत मेहनत करके इस पर काम कर रही है काफ़ी सारे यू नो आवर्स का एफर्ट लगता है इस तरह के नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो रही है क्या कुछ इस सीरीज से भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ यार आप लोग कमेंट करते नहीं हो लाइक करते नहीं हो कुछ समझ में नहीं आता है ठीक है कि वेदर यू आर लाइकिंग द थिंग और नॉट मतलब फिर क्या होगा ना आई आई नीड अ मोटिवेशन टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज राइट तो उसके लिए प्लीज एक मिनट रुक जाओ और मेरे लिए एक फेवर करो पर्सनल एक तो लाइक ठोको और एक नीचे कमेंट में जाके कुछ भी लिख दो भले गाली पक देना लेकिन लिख दो ठीक है एलगोरेदम को हैप्पी कर रहे हैं अपने यूट्यूब का एलगोरिदम अपने से बहुत नाराज रहता है ठीक है तो टर्मिनोलॉजीज अपन फटाफट पहले एक बार देख लेते हैं ठीक है डेट इशूड बाय द कंपनीज वेन दे डोंट वॉन्ट टू डाइल्यूशन वॉन्ट डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कंपनी को एक्विटी नहीं बेचना है ठीक है डेट इन्वेस्टर लेंड्स कैपिटल टू द कंपनी फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड स्पेसिफाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो ये जो टाइम पीरियड हो गया ये मेरा टेन है और ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया ये मेरा कूपन रेट है ठीक है इट इज डन थ्रू एक्सचेंज और ओ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है और ओटीसी में भी ट्रेड होता है तो एक्सचेंज में ट्रेड होता है मतलब थ्रू एक्सचेंज यानी बी एस में ट्रेड होगा और ओ मतलब प्राइवेट प्राइवेटली ट्रेड होगा अपन एक एक करके इसकी टर्म्स समझते जाते हैं फेस वैल्यू अमाउंट ऑफ डेट बींग बोरोड बाय द कंपनी और इन्वेस्टेड बाय द इनिशियल डेट होल्डर्स आप समझ रहे हो मेरी बात यहां कंफ्यूजन होगा इनिशियल का मतलब है इधर थोड़ा सा देखना इधर आपने जब फरवरी 2022 में अगर पैसा लगाया होता तो ये जो बॉन्ड है ये हजार रुपए की फेस वैल्यू होती तो आपका जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बॉन्ड की फेस वैल्यू है समझना लेकिन मार्केट में सिचुएशन चेंज हुई आपने वो बॉन्ड जो खरीदा वो 1250 में खरीदा समझिए जबकि वो बॉन्ड कितने का है हजार रुपए का है तो भले ही मार्केट प्राइस 1250 है लेकिन उसकी फेस वैल्यू आज भी हजार रुपए होगी तो जो ढाई सौ रुपए प्रीमियम है तो सर ढाई सौ रुपए में एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं बॉन्ड परचेस करने की पता है क्यों दे रहा हूं क्योंकि मेरे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है आई यू गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ रही है पार वैल्यू इसको नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू भी बोला जाता है ठीक है कूपन रेट कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट ठीक है ये एनुअल हो सकता है सेमी एनुअल हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो साल में एक बार मिल सकता है साल में दो बार मिल सकता है साल में चार बार मिल सकता है ठीक है इट इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू का क्या मतलब है परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू का मतलब यह आप ये देखो भले ही ये बॉन्ड में आज बारह में खरीद रहा हूं लेकिन जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना तो इंटरेस्ट में थाउजेंड पे ही कैलकुलेट करूंगा दिस थाउजेंड इज नथिंग बट दिस इज माई फेस वैल्यू आई होप ये समझ में आ रहा होगा यहां तक ठीक है देखो ये एप्सल्यूट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज फेस वैल्यू इन टू कूपन रेट इर ऑफ मार्केट वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख देता हूं समझ रहे हो आप मेच्योरिटी इन रिडम्पन क्या होता है टाइम पीरियड फॉर विच द बॉन्ड एग्जिस्ट एज अग्रीड ऑन इनिशिएशन मतलब कितने समय तक आप पैसा उधार लेके रखोगे मेच्योरिटी जो होती है बॉन्ड की जैसे आप देखो हमने जो हमारे एग्जाम्पल में बॉन्ड लिया है उसकी मेच्योरिटी अपन ने तीन साल ले ली तो ये क्या है रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड है क्या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है क्या इसी को बोल दिया जाता है बोलचाल की भाषा में रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड ठीक है इसको रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड बोल दिया जाता है ये तीस दिन से लेकर के तीस साल तक हो सकता है समझना सर क्या बॉन्ड एक दिन के लिए भी हो सकता है क्या एक उसको ओवरनाइट लेंडिंग बोला जाता है ठीक है मनी मार्केट में एक दिन के लिए एक रात के लिए पैसा मिल सकता है कोई बैंक है जिसके पास बैलेंस की कमी पड़ रही है समझना आरबीआई हर बैंक को रिक्वायर करता है कि आपको इतना कैश तो अपने पास रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर बैंक है जिसको एकदम से समझ में आया कि अपने पास पांच करोड़ रुपए शॉर्ट है पांच सौ करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं तो क्या करेगा किसी ऐसे बैंक को ढूंढेगा जिसके पास ज्यादा पैसा हो और उसको बोल देगा मेरे को एक दिन के लिए दे दे मैं कल सुबह तक हुए पैसा वापस कर दूंगा पांच सौ करोड़ रुपए इंक्लूडिंग वन नाइट का इंटरेस्ट के साथ तो ऐसा नहीं है एक रात से लेकर के कई सालों तक हो सकता है अगर ये ओटीसी है ओवर द काउंटर है तो कुछ भी हो सकता है फिर तो दो लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं जो ऐसा डिसाइड करना है वैसा डिसाइड हो जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं ठीक है नाउ ईच बॉन्ड एक्सपायरी डेट और अ मेच्योरिटी डेट आफ्टर दैट इट सीज टू एग्जिस्ट ठीक है ऑन दैट डे द फेस वैल्यू शुड बी रिटर्न बैक प्लस कूपन इंटरेस्ट इफ एनी ड्यू ठीक है द फाइनल स्टेप इज रिडमशन ऑन बॉन्ड ये जो अपन ने समझा कि ईयर थ्री के ऊपर मैं सौ रुपए का इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा उसके साथ साथ हजार रुपये जो एक्चुअल फेस वैल्यू वो भी वापस कर दूंगा यहां पर आपको एक डाउट आ सकता है क्या डाउट आएगा पता है आपको ये डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है अपन ने साढ़े बारह सौ दिए थे तो अपने को लास्ट में ईयर थर्ड पे जाके हजार रुपये मिलेंगे लेकिन अगर मैंने साढ़े आठ सौ आठ सौ तैतीस रुपए दिए तब भी क्या मेरे को वो ईयर एंड में थर्ड ईयर के एंड में जाके तब भी क्या मेरे को हजार रुपए देगा यस yes. जो रिडम्शन होगा वो फेस वैल्यू पे होगा कंपनी को मतलब ही नहीं ना कि आपने मार्केट के अंदर कितने पे खरीदा है बॉन्ड कंपनी ने कागज दिया है बना के आपको बॉन्ड का इंडेंचर बना के दिया ठीक है अपन और आगे देखते हैं अपन और आगे देखते हैं यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या होता है पता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब ये होता है कि मैंने जिस टाइम बॉन्ड को या किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड करा उस समय उसका रिटर्न कितना आया ठीक है ड्यूरिंग दैट पीरियड रिटर्न कितना आया जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे ही लेके बताऊं इसको एच बोला जाता है आप ऐसे भी देख सकते हो होल्डिंग पीरियड रिटर्न एचपीआर बोला जाता है इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न आप समझना जैसे मान लो आपने ईयर जीरो पे थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किया ठीक है ईयर वन एंड ईयर टू ठीक है ईयर वन पे आपको सौ रुपये का ब्याज मिला और ईयर थ्री पे भी आपको सौ ईयर टू पे भी आपको सौ रुपये का ब्याज मिला और साथ में हजार रुपये भी रिटर्न हुआ अब समझना इसके अंदर हुआ क्या आपने टोटल कितना पैसा कमाया क्या ये जो हजार रुपये आपने लगाए थे रिटर्न हो गए क्या बिल्कुल रिटर्न हो गए ठीक है क्या इसके अलावा आपने दो सौ रुपया कमाया है क्या देखो ये क्या इसके अलावा आपने दो सौ रुपया कमाया है क्या ठीक है तो यहां पर आ जाएगा मेरा टोटल इनकम कितनी हुई है मेरी टू हंड्रेड की टोटल इनकम हुई है ठीक है और यहां पर आ जाएगा टोटल कैपिटल डिप्लॉयड इनिशियली शुरुआत में मैंने कितनी टोटल कैपिटल डिप्लॉय करी हजार तो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आ जाएगा पता है दो सौ डिवाइडेड बाय हजार इजिकल्स टू ट्वेंटी परसेंट फॉर टू ईयर्स मैंने ये दो सालों में हर साल बीस परसेंट नहीं कमाया है इन पूरे दो सालों में टोटल मैंने बीस परसेंट कमाया है मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूं आपके लिए ठीक है एचपीआर को अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए देखना आप ईयर जीरो पे आपने हजार दिए ठीक है आपको ईयर वन पे सौ रुपए का इंटरेस्ट मिला जिसको आपने री करा एट द रेट ट्वेंटी परसेंट मान लो ऐसा बीस परसेंट पर आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया ये जो इंटरेस्ट मिला है इसका आपने फिर से सौ रुपये का जाके बॉन्ड खरीद लिया ठीक है और ईयर टू पे आपको क्या मिला ईयर टू पे आपको सौ रुपये का इंटरेस्ट मिला इसको आपने री इन्वेस्ट नहीं किया है एक मिनट के लिए समझना प्लस आपको ये जो हजार रुपये थे ना आप इसमें बॉन्ड में लिखा हुआ है अगर कि फेस वैल्यू का ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रीमियम पे अपन रिडीम करेंगे तो जो फेस वैल्यू उसमें पच्चीस परसेंट और ज्यादा देंगे जब हम आपका बॉन्ड रीपे करेंगे तो मान लो आप यहां बारह सो पचास रुपए अपने को इसका redemption आया। अपना मूल पैसा बारह सो दो सो पचास से बढ़ के आया अब मुझे अगर इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा पता है सबसे पहले तो देखो ईयर वन का सौ रुपया वो आ गया फिर मेरा क्या आया ईयर टू का सौ रुपया आ गया तो ये मेरा एक इनकम है फिर मेरा क्या आया ये हजार रुपए मैंने लगाए थे इसके बारह सौ पचास रुपए बन के आए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बारह सौ पचास डिवाइड बाई हजार ये भी तो मेरी इनकम है और उसके अगेंस्ट में मैंने शुरुआत में कितना पैसा डाला था सिर्फ हजार रुपए डाला था तो दो सौ और ढाई सौ साढ़े चार सौ रुपए मुझे वापस मिले हैं हजार रुपए पे दो साल के अंदर तो मेरा एचपीआर कितना हो गया पता है फोर्टी फाइव ईयर्स फोर्टी फाइव परसेंट फॉर टू ईयर्स नॉट फोर्टी फाइव परसेंट पर एन एम इट इज नॉट फोर्टी फाइव परसेंट पर एन एम इट इज फोर्टी फाइव परसेंट फॉर टू ईयर्स ठीक है ये पूरा एग्जाम्पल है आप सॉल्व कीजिएगा दिस इज फॉर यू ये एनआईएसएम की बुक से हमने लिया है डायरेक्टली ठीक है एंड ये ध्यान रखिएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो होता है सिंगल पीरियड रिटर्न एंड नॉट एनुअलाइज रिटर्न साल दर साल हर साल का चालीस परसेंट नहीं है दो साल के पीरियड का चालीस परसेंट है ठीक है करंट यील्ड यील्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है इनकी सैलरी काटनी पड़ेगी सब लोगों की मैंने भी गलत लिख दी वेरी गुड मेरी भी काट दो है ना यील्ड अब देखना है इधर यील्ड का क्या मतलब होता है वो समझना थोड़ा सा इधर ध्यान देना जरा ये 1250 का जो बॉन्ड है जब भी यील्ड का कैलकुलेशन होगा ना जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए ठीक है यील्ड तो इसका मतलब ये है इट इज इन रिलेशन टू मार्केट प्राइस ठीक है तो अगर मैं बोलता हूं वॉट इज माई करंट बॉन्ड यील्ड मेरी आज करंट बॉन्ड यील्ड कितनी है वो मेरे को बता दो करंट बॉन्ड यील्ड कितनी है तो करंट बॉन्ड यील्ड क्या होगी पता है इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ठीक है अब क्या कूपसर कूपन रेट से यील्ड हमेशा कम होगी क्या जरूरी नहीं है कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है ठीक है तो अपन दोनों केसेस के अंदर देखते हैं केस ए केस बी केस ए के अंदर मेरी जो इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है सौ की है केस बी के अंदर भी सौ की है यहां पर मेरा मार्केट प्राइस बारह चल रहा है और यहां पर मेरा मार्केट प्राइस एट चल रहा है ठीक है तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटफट -फट। तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सौ डिवाइडेड बाय बारह सौ पचास तो ये मेरी यील्ड आ गई आठ परसेंट की और ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटफट ठीक -फट। है विच इज माई तो ये आपकी यील्ड आ गई बारह परसेंट की समझ रहे हो आप आपका कूपन रेट कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज मार्केट में यील्ड कितनी चल रही है Similarly, एक similar concept है डिविडेंड तो क्या होता है पता है? Dividend yield होता है होता कि कितना डिविडेंड कंपनी ने दिया लास्ट डिवाइडेड बाय कितना करंट मार्केट प्राइस आज कंपनी का दैट इज डिविडेंड यील्ड ठीक है चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं

अगर बॉन्ड की वैल्यू पांच साल बभी बचे हैं बॉन्ड के टेनोर को मैच्योरिटी में तो आज जो आपने साढ़े नौ सौ पे खरीदा है देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता ही है ये बट कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी ठीक है एक सेकंड में आपको नए एग्जांपल से समझाता हूं जैसे मान लो आपने ये बॉन्ड खरीदा ये वाला बॉन्ड दिस वन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अपन यहां लिखते हैं ठीक है अब देखना ये 833 मार्केट प्राइस कितना है मान लो 833 है मार्केट प्राइस इज 833 अभी मेच्योरिटी कितनी बची है से फॉर एग्जांपल मेच्योरिटी बची है फाइव इयर्स और रिडम्पशन वैल्यू क्या है बॉन्ड की तो से फॉर एग्जांपल रिडम्पशन वैल्यू इज वन थाउजेंड रुपीज अब देखिए ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है आपको पांच सालों के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देखना और इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम कितनी है कूपन रेट इसका से फॉर एग्जाम्पल मान लो सौ रुपया तो सौ इंटू फाइव ये तो आपको मिला पांच साल में ठीक है इतना मिला प्लस आपको थाउजेंड माइनस एट थर्टी थ्री इसका डिफरेंस भी तो मिला आपने दिए आठ आठ सौ और आपको मिल रहे हैं हज़ार एट दी एंड ठीक है और आपने टोटल लगाया कितना पैसा एट थर्टी थ्री लगाया अभी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो जो आएगा ना वो आएगा एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न अपन क्या बोलते हैं पता है आप ऐसा समझ लो अभी वेरी बेसिक ठीक है वेरी वेरी बेसिक बिकॉज आपको कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनना है डेट के अंदर अपना तो काम इक्विटी रिसर्च का है ठीक है डेट में अपने को एक्सपर्ट नहीं बनना है मैं इसको अगर ऐसा बोल दूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि एनुअलाइज्ड एच पी आर period होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज नथिंग बट maturity. टू मेच्योरिटी सोच के देखना जरा ईल टू मेच्योरिटी क्या अगर मैं ये एच पी आर निकालूंगा तो ये फाइव ईयर्स का आएगा कि पूरे पांच साल के दौरान मैंने शुरुआत से लेकर के पांचवें साल के एंड तक कितना पैसा कमाया ये उसमें आएगा वाई टी एम क्या होगा पता है कि अगर शुरुआत में मेरा हज़ार था और पांच सालों के दौरान मैंने दस उसको हज़ार को बारह सौ पचास करा तो हर साल मैंने ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाया

तो ड्यूरेशन का मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट एक परसेंट अप या डाउन होता होगा तो बॉन्ड प्राइस कितना परसेंट अप या डाउन होगा तो क्या यह सेंसिटिविटी दर्शाता है क्या क्या ये सेंसिटिविटी दर्शाता है क्या एंड इट इज बेस्ड ऑन द टाइमिंग एंड साइज ऑफ द कैश फ्लोज ये थोड़ा ध्यान रखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है जो आपको दिमाग थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मैं नहीं बोलूंगा कि इसको रट लो बट ये आपको समझ में आना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि हमने क्या करा हमने देखा कि यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर दो परसेंट बढ़ गया है टू परसेंट दस से बारह हुआ तो बॉन्ड का प्राइस कितने रुपए से गिर गया बॉन्ड का प्राइस एक सौ रुपए से गिर गया वन सिक्सटी से गिर गया ठीक है मोटा मोटा वन सिक्सटी से गिर गया ठीक है तो ये जो है ना ये सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड दर्शाता है कि बॉन्ड कितना सेंसिटिव है एन एज कंपेयर टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट से फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेम बॉन्ड विद द फेस वैल्यू ऑफ वन थाउजेंड एनुअल कूपन पेमेंट ऑफ सिक्सटी एंड यील्ड टू फाइव इयर्स टू मेच्योरिटी हजार रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड है हर साल आपको साठ रुपए का कूपन इंटरेस्ट मिलेगा और साल बचे मेच्योरिटी के लिए तो ड्यूरेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच द ब्राइड बॉन्ड्स प्राइस विल चेंज फॉर वन परसेंट चेंज इन इंटरेस्ट रेट मैंने एक्सैक्टली exactly यही बोला है आपको अभी तक ठीक है नाउ इफ द ड्यूरेशन इज फोर इयर्स इट इंप्लाइज दैट एवरी वन परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट अगर ड्यूरेशन मान लो चार साल आता है ड्यूरेशन जो निकलेगा ना ये कैसे निकलेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉमुला है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है इसको ऑनेस्टली अगर होती तो मैं बता भी देता मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अभी अपने को बहुत बड़ा कोर्स कवर करना है ठीक है तो ड्यूरेशन अगर फोर ईयर्स आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया एक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड का प्राइस चार डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट अगर एक परसेंट डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड का प्राइस चार परसेंट इंक्रीज हो जाएगा दैट इज एग्जैक्टली द ड्यूरेशन इज ठीक है हाँ जी तो अपन कन्वेक्सिटी समझते हैं अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन आप अगर पूरा फोकस रखोगे तो समझ में आएगा अभी यहां पर है ना तीन चीजें नंबर वन इज इंटरेस्ट रेट मार्केट प्राइस ड्यूरेशन ठीक है इंटरेस्ट रेट समझना इंटरेस्ट रेट अगर फाइव परसेंट फाइव परसेंट ज्यादा ले लिया अगर ड्यूरेशन मान लो फोर इयर्स है और इंटरेस्ट रेट वन परसेंट इंक्रीज होता है तो मार्केट प्राइस क्या होगा फोर परसेंट डिक्रीज हो जाएगा यह तो समझ में आया क्या होता है ना इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट सिर्फ मार्केट प्राइस पे जाके नहीं गिरेगा उसका इंपैक्ट ड्यूरेशन पे जाके भी गिरेगा तो कॉन्वेक्सिटी क्या होता है पता है इसको ऐसा समझ लो कॉन्वेक्सिटी इट इज चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू चेंज इन अरे भाई इंटरेस्ट रेट अभी जैसे एक जिक्र करो थोड़ा सा अगर अपन इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लो अपने पास दो बॉन्ड है एक बॉन्ड है एक्स और एक बॉन्ड है वाई ठीक है दोनों का जो ड्यूरेशन है ठीक है वो से फॉर एग्जाम्पल टू इयर्स है ठीक है नो एंड इंटरेस्ट रेट जो है से फॉर एग्जाम्पल वो ड्रॉप हुआ है टू परसेंट से अब क्या होगा पता है अब यहां पर मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो मार्केट प्राइस इसका तो इंक्रीज होगा फोर परसेंट से क्योंकि वन परसेंट इंक्रीज पे दो परसेंट का होता है ना तो टू इयर्स है टू परसेंट है तो फोर हो जाएगा ये जो होगा ना इट विल बी इंक्रीज मोर देन फोर परसेंट से एग्जाम्पल वाई बताऊं ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये टू परसेंट का डिक्रीज हुआ ना तो उसके कारण ये जो ड्यूरेशन था दिट हैज बीन चेंज टू टू पॉइंट वन राइट राधर देन टू ये इसलिए हुआ दिस टू पॉइंट वन परसेंट चेंज इज नथिंग बट कॉन्वेक्सिटी अगेन अ वेरी मैथमेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से करके समझाया आप इसको पढ़िएगा डेफिनेटली आपको बहुत समझ में आएगा अब देखना अब अपन है ना बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे कि कितने अलग अलग तरीकों के बॉन्ड होते हैं ठीक है ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको यू uh, नो you know, uh, बहुत डिफिकल्ट है बट फिर भी मैं फटाफट बता देता हूं आपको जैसे अपन बॉन्ड की अगर टाइप समझें तो पहला बॉन्ड का टाइप आएगा आपका जीरो कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है पता है ईयर जीरो पे आपने पे किया एट एट्टी रुपीज और ईयर टेन पे उसने आपको दिया हजार रुपए ठीक है नो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द टेन और इसमें सिर्फ एक ही वन शॉट आपको पेमेंट मिलेगा ठीक no है नो इंटरेस्ट पेमेंट है मतलब इसका जो कूपन रेट है वो जीरो कूपन है ठीक है पढ़ लेते हैं एक बार बॉन्ड विच डू नॉट हैव एनी कूपन इशूज बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई एनी एनी कूपन इशूज एट डिस्काउंट टू पार एंड रिडीम एट पार ठीक है ये इशूज एट पार डिस्क मतलब यूजली इसको ऐसा देख लो इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार पार मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम होगा जो इंटरेस्ट अर्न है दैट इज अ वैल्यू डिफरेंस बिटवीन इशू एंड रिडम्पशन प्राइस मतलब मैं क्या बोलूंगा क्या ये जो मैंने एक सौ रुपए कमाया है दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट फॉर टेन ईयरस यस और नो यही होगा ठीक है जीरो कूपन बॉन्ड आर मोर सेंसिटिव इसका देखना मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट हाई ड्यूरेशन इसी का कोर्डिनेशन है वेन जीरो मेच्योरिटी इन इशूड एट अवी डिस्काउंट इट इज टर्म्ड एज अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि आपने इसको आठ सौ अस्सी की जगह आपने क्या करा इसको चार सौ अस्सी कर दिया तो ये डीप डिस्काउंट आपने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया ठीक है फिर क्या होगा कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या मतलब है जिनमें या तो कंपल्शन होगा या ऑप्शन होगा टू कन्वर्ट इन टू इक्विटी फुली और पार्शली लेटर ऑन जिसे समझना क्या होता है और अभी मैं बताता हूं आपको अभी देखना आज की न्यूज अगर आप ढंग से जाके पढ़ोगे तो आपको ये न्यूज मिलेगा कि वेदांता वेदांता ग्रुप जो है वो तीन हजार करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेगा आज का न्यूज है अभी जाके आप खोल के देख के पढ़ सकते हो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड नॉन कन्वर्टेबल अपन तो कन्वर्टेबल की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्टेबल में क्या होगा पता है आपने ईयर जीरो में हजार लगाए ईयर वन और ईयर टू मान लो दो साल का बॉन्ड है तो यहां पर आपको सौ का कूपन मिल गया यहां पर भी सौ का कूपन मिल गया बट अब आपको हजार रुपए कैश में वापस नहीं हुए प्लस आपको क्या मिल गया टेन इक्विटी शेयर इन द कंपनी तो आपको पूरा का पूरा जो फेस वैल्यू रिटर्न हुआ वो इक्विटी शेयर हो गया क्या ये जरूरी है कि, कि किसी बॉन्ड का पूरा का पूरा फेस वैल्यू इक्विटी शेयर में रिटर्न हो जरूरी नहीं है आधा भी हो सकता है 75 परसेंट भी हो सकता है 25 परसेंट भी हो सकता है अगर मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड लेता हूं कन्वर्टेबल डिबेंचर लेता हूं तो क्या ये कंपलसरी है क्या कि मुझे उसको कन्वर्ट कराना ही कराना पड़ेगा ये डिपेंड करता है बॉन्ड के अग्रीमेंट पे बॉन्ड के इंडेंचर पे तो अगर कंपनी ने ये आपके ऑप्शन पे रखा holder, कि है कि इट इज एन ऑप्शन ऑफ द होल्डर कि अगर होल्डर के पास ऑप्शन है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो चाहे तो हजार रुपए कैश में ले ले या फिर हमारे दस इक्विटी शेयर ले ले तो आप दस इक्विटी शेयर पता है कब लोगे आप दस इक्विटी शेयर सिर्फ तब लोगे जब एक इक्विटी शेयर की कीमत सौ रुपए के ऊपर होगी जैसे मान लो बाजार में एक सौ का इक्विटी शेयर चल रहा है तो क्या आप हजार रुपए कैश लोगे हैं एक सौ वाले दस इक्विटी शेयर लोगे आप एक सौ वाले दस इक्विटी शेयर लोगे आई यू गेटिंग माई पॉइंट क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है अपन इसको और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ठीक है इसमें क्या डेट एंड प्राइस ऑफ कन्वर कन्वर्जन इंक्लूड हो सकता है बिल्कुल होगा और नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे एक बार कन्वर्जन हो गया तो जो डेट है ना वो डेट क्या इक्विटी में चला जाएगा क्या इट विल कन्वर्ट द डेट इनटू इक्विटी इसमें एडवांटेज क्या है पता है आपको एडवांटेज यह है बॉस कि कंपनी को प्रिंसिपल का कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है ठीक है अब मेरे पे अब कोई हेडेक नहीं मेरे को सिर्फ ब्याज का पैसा देना है जो मैं दे दूंगा आराम से और उसके अलावा मेरे को मेरे इक्विटी शेयर अब एक्विटी शेयर तो क्या कागज का टुकड़ा है सर्टिफिकेट बना के दे दिया मजे करो लेकिन डिसएडवांटेज क्या पता है डिसएडवांटेज एडवांटेज यह है कि मेरा मालिकाना हक डाइल्यूट हो जाएगा कंपनी में मेरा मालिकाना हक डायल्यूट हो जाएगा that is the अगला बॉन्ड कैसा है अगला बॉन्ड जो आएगा आपका वो फ्लोटिंग रेड बॉन्ड फ्लोटिंग रेड बॉन्ड का क्या मतलब होता है पता है फ्लोटिंग रेड बॉन्ड का मतलब यह है कि मार्केट प्राइस में जैसे जैसे इंटरेस्ट ऊपर या नीचे होगा यह बॉन्ड का इंटरेस्ट भी ऊपर या नीचे होगा ठीक है जैसे इश्यूड एट पार रिडीम रेट पार बट डोंट है फिक्सड कूपन रेट अपन ने भी क्या बोला था कि भले ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट आठ परसेंट हो जाए आपको दस परसेंट पे ही मिलेगा क्योंकि वो वाला बॉन्ड फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड था यह फ्लोटिंग रेट वाला बॉन्ड है ठीक है तो इसमें क्या होगा ज एडजस्टेड बेस्ड ऑन बेंच मार्क रेट कोई भी एक बेंच मार्क रेट होगा उसके बेसिस पे अगर बेंच मार्क रेट ऊपर होता है तो मैं ऊपर कर दूंगा नीचे होता है तो मैं नीचे कर दूंगा जैसे सर बेंच मार्क रेट एक बार समझाओ सर आरबीआई का बैंक रेट आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम ज्यादा करती मॉनिटरी पॉलिसी में हमने बोल दिया कि हम आपको आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से दो टका ऊपर देंगे अब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट से फॉर एग्जांपल आज फाइव परसेंट चल रहा है तो आज हम आपको कितना पैसा देंगे अभी जो नेक्स्ट कूपन डेट आएगी सेवन परसेंट कल को मान लो दो साल बाद आरबीआई ने और इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर सेवन परसेंट कर दिया तो मैं सेवन प्लस टू दूंगा आपको आई यू गेटिंग माई पॉइंट क्या समझ में आ रहा है तो क्या ये वाले बॉन्ड कभी भी मार्केट से ज्यादा अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव होते हैं क्या बिल्कुल भी नहीं होते हैं समझ रहे हो क्योंकि यहां पर क्या आपके पास कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपको जो मार्केट में नहीं मिल रहा है बिल्कुल नहीं कोई मेरा बॉन्ड क्यों लेगा मार्केट से भी ले लेगा तो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्या बिल्कुल सही है ठीक है इसकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम रहेगी इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हो सकती है कूपन रेट्स की इसको कैप और फ्लोर बोला जाता है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते गया तो मैं आपको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट दे दूंगा से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कैप लगाया कि भाई नौ परसेंट का कैप है आज इंटरेस्ट रेट सेवन परसेंट है फाइव प्लस टू पांच परसेंट आरबीआई का दो परसेंट हमारी तरफ से सात परसेंट हम अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा भी दिए तो हम दस परसेंट से ज्यादा नहीं देंगे इसका मतलब ये आरबीआई ने नौ परसेंट इंटरेस्ट रेट कर दिया तो नौ में दो परसेंट अब मैं ऐड करके आपको ग्यारह नहीं दूंगा मैंने मैक्सिमम कैप रखा है उसका कि मैं दस परसेंट ही दूंगा वैसे मिनिमम कैप भी हो सकता है ठीक है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स ये देखना अगर इन्वेस्टर इन मेच्योरिटी तक होल्ड करता है ये कोई ये इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बचा नहीं अभी ये सब चीजें होती नहीं है पी नोट्स बोला जाता है उसको प्रिंसिपल नोट्स बट ऐसा कुछ होता नहीं मतलब ज्यादा तो देयर प्रिंसिपल्स विल बी प्रोटेक्टेड एंड हैव अ वेरी लो चांस ऑफ डिफॉल्ट तो इसमें जो मेन वर्ड है मेरा वो लो चांस ऑफ डिफॉल्ट है प्रिंसिपल विल बी प्रोटेक्टेड ठीक है दिस इज वन एंड दिस इज टू ठीक है द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्ट असाइड टू रिटर्न प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी रेस्ट इन्वेस्टेड इन कमोडिटी डेरेविटिव टू एन हायर इंटरेस्ट रेट्स ठीक है इसको आप थोड़ा सा अपने आप पढ़ लीजिएगा इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड क्या होते हैं वो समझ लेना एक बार ठीक है एक बार वो समझेंगे कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड क्या होते हैं मैं आपको लास्ट में समझा देता हूं फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब यह है कि बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी इन अ करेंसी डिफरेंट देन लोकल करेंसी इसका मतलब यह है कि इंडियन कंपनी ने बॉन्ड को यूएसडी में इशू करा और कूपन भी यूएसडी में पेमेंट कर रही है इंडियन कंपनी ने ठीक है इंडियन कंपनी ने यूरोप जाके यूरोप जाके अगर यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दिए तो क्या वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो जाएंगे क्या बिल्कुल इंडियन कंपनी ने अगर इंडिया में यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दी तो क्या वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो जाएंगे क्या बिल्कुल हो जाएंगे एक्सटर्नल बॉन्ड्स क्या होंगे इशूड इन फॉरिन करेंसी कंट्री इन अ करेंसी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इशूड कंट्रीज करेंसी ठीक है यह देखना इसका मतलब क्या है पता है दोनों में डिफरेंस समझता हूं इंडिया ने इंडिया ने यूएसए जाके इंडिया ने यूएसए जाके यूएसडी में बॉन्ड इशू करा और यहां पर क्या पता है इंडिया ने यूएसए जाके में बॉन्ड इशू करा इतना ही डिफरेंस है बस बाकी सब डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें कंफ्यूज मत होना परपेचुअल बॉन्ड क्या है जिसमें कोई मेचोरिटी नहीं है मतलब सर ये ना क्या परपेचुअल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं बहुत कम ट्रेड होते हैं लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं परपेचुअल बॉन्ड का मतलब यह होता है कि आपने एक बार कंपनी को पैसा दे दिया कंपनी आप आपको आपका प्रिंसिपल कभी वापस नहीं करेगी आपको अनंत तक वो इंटरेस्ट देती रहेगी जब तक कंपनी जिंदा है तब तक, तक आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा आप चाहो तो इसको मार्केट में बेच सकते हो लेकिन कंपनी से जाके आप पैसा नहीं मांगोगे चाहो तो आप मार्केट में बेच सकते हो ठीक है अब अपने को यह देखना है कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड क्या होते हैं? इधर देख जैसे मान लो आपने ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री और ऐसे करते करते ये हो गया आपका ईयर टेन ठीक है ईयर वन में आपने हजार रुपए डाले थे यहां पर आपको सौ मिला यहां पर आपको सौ मिला ऐसे आपको सौ मिले यहां पर आपको सौ मिला और यहां पर आपको हजार भी मिल गया समझना मुझे एक बात बताओ आज के हजार रुपए ज़्यादा बड़े हैं आपके लिए या दस साल बाद के हज़ार रुपए ज़्यादा बड़े हैं विच इज़ मोर प्रेशियस फॉर यू टूडेज थाउजेंड और थाउजेंड आफ्टर टेन ईयर्स यू विल से थाउजेंड टूडे नॉट थाउजेंड आफ्टर टेन ईयर्स क्यों ऐसा बोल रहे हो पता है क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है महंगाई जो है वो मार देती है पैसे को आज जो मैं हजार रुपए से खरीद सकता हूँ वो दस साल बाद नहीं खरीद सकता अगर कोई ऐसा बॉन्ड आ जाए जो मेरे इन्फ्लेशन से मुझे प्रोटेक्शन दे दे उसको इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड बोला जाता है इसका मतलब यह है कि अगर इन दस सालों में सेफ मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको आपको इसको पढ़ना है वर्कबुक से जाके और नोट से जाके भी ठीक है दिस इज जस्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज ठीक है कि दस साल के अंदर मान लो महंगाई जो बढ़ी है इन्फ्लेशन जो बढ़ा है वो ओवरऑल फोर्टी से इंक्रीज हुआ तो पता है आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड जो है ना वो आपको थाउजेंड देगा प्लस इसमें फोर हंड्रेड देगा ये जो फोर हंड्रेड है दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंपनसेशन और द प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन से आपका प्रोटेक्शन है और आपका कंपनसेशन है ये होता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपका अभी इसके बाद मोड ऑफ स्टडी कैसे होना चाहिए सबसे पहले वर्कबुक करोगे आप ठीक है वर्कबुक करोगे फिर जो अपने हैंड नोट्स है वो हैंड नोट्स देखोगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन बैंक है तो वो क्वेश्चन बैंक आप देखोगे ये तीनों चीज़ें करोगे इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं और आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है यहां पर तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमारा अगला एक्विटी रिसर्च को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत जल्द शुरू हो रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है आप जाके उसको चेक कर सकते हैं uh, मैं आपको एक आई वुड से एक अश्योरेंस दे सकता हूँ दैट आफ्टर दैट एक्विटी रिसर्च कोहट आपका मैं नज़रिया बदल दूंगा कि आप बिग बिजनेस को एक कंपनी को कैसे देखते हो आप कैसे बातें करते हो किसी से भी ठीक है आप कैसे चीज़ों को इंडिपेंडेंटली एनालाइज़ करते हो ठीक है इतना ही था दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ अच्छे से पढ़ो पूरा यूटिलाइज करो अपने पेरेंट्स को प्राउड करो बाय बाय